अमेरिका का पूरा पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट इलाके में हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि वाशिंगटन और कुछ पड़ोसी राज्यों में कॉलेज में पढ़ रही लड़कियां काफी तेजी से गायब हो रही थी। साल के शुरुआती 6 महीनों में ही 6 लड़कियों की अपहरण और हत्या हो चुका था, और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह था कि हत्या से पहले और बाद में भी उन लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया था। हत्याएं रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। फिर जब एक एक करके लाशें मिलने लगी तो जांच एजेंसियों को समझ में आया कि ये एक सीरियल किलिंग का मामला है, क्योंकि हर हत्या का पैटर्न बिल्कुल सेम था। हर लाश की खोपड़ी में फ्रैक्चर था और सबके साथ दुष्कर्म किया गया था। उनके साथ काफी मारपीट की गई थी और यहाँ तक कि कुछ लाशों के सर गायब थे। दोस्तों, ये कहानी है दुनिया का सबसे कुख्यात सीरियल किलर्स में से एक, थियोडोर रॉबर्ट बंडी यानी टेड बंडी का, जिसने खुद 30 से ज्यादा महिलाओं की हत्या करने की बात कबूला था। मगर इन हत्याओं के जांच में जुटे कुछ अधिकारियों का माने तो टेड बंडी ने 100 से भी ज्यादा महिलाओं की हत्या किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खड्गेश्वर और आप देख रहे हैं खड्गेश्वर स्टोरीज। टेड बंडी का जन्म 24 नवंबर 1946 को अमेरिका का बर्लिंगटन शहर में हुआ। बंडी का बचपन काफी उतल पुतल से भरा रहा। टेड की मां शादी से पहले ही प्रेग्नेंट बन गई थी और टेड का जन्म से पहले ही उसका पिता उसे छोड़कर जा चुका था, इसलिए टेड बंडी का बचपन का कुछ साल दादा दादी के घर में बीते। कुछ समय के बाद टेड की मां जॉनी बंडी नाम का एक आदमी से शादी कर लेती है। जॉनी बंडी 5 साल का टेड को लीगली अडॉप्ट कर लेता है और वहीं से टेड को एक सरनेम मिलता है और वो टेड से टेड बंडी बन जाता है। बचपन में टेड बंडी काफी शाय टाइप का बच्चा था। स्कूल में वो किसी से बात नहीं करता था और उसका कोई दोस्त भी नहीं थे। मगर बड़े होने के बाद वो काफी बदल चुका था। उसके बहुत सारे दोस्त बन गए थे। बंडी काफी गुड लुकिंग तो था ही, साथ ही साथ वो काफी इंटेलिजेंट भी था। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन करने के बाद टेड बंडी ने कुछ इंपॉर्टेंट लीगल इंस्टीट्यूशंस में भी काम किया और लोकल पॉलिटिक्स में भी बंडी काफी एक्टिवली इन्वॉल्व रहा और अपना एक पहचान बनाया। सोशल लाइफ में इतना एक्टिव रहने के बावजूद भी बंडी पर किसी को शक नहीं हुआ कि वो लड़कियों की जान ले रहा है, और यही बात टेड बंडी को बाकी सीरियल किलर से अलग बनाती है। वो लगातार एक के बाद एक लड़कियों की जान ले रहा था, मगर सोसाइटी में टेड बंडी का इमेज एक प्रॉमिसिंग नौजवान का बना हुआ था। कॉलेज के शुरुआती दिनों में बंडी की एक गर्लफ्रेंड थी जिनका नाम डयान एडवर्ड्स था, मगर कुछ दिन बाद डयान ने बंडी के साथ ब्रेकअप कर लिया। टेड बंडी को इससे काफी सदमा लगा क्योंकि वो डयान से सच्चा प्यार करता था। कहा जाता है कि इसके बाद से ही टेड बंडी ने लड़कियों का अपहरण और हत्याएं करना शुरू कर दिया था। उसके बाद बंडी का जिंदगी में एलिजाबेथ केंडल नाम की एक और महिला आई जो 3 साल की एक बच्ची की माँ थी। टेड बंडी और एलिजाबेथ का रिश्ता काफी अच्छा चला। दोनों करीब 7 साल तक एक दूसरे के साथ रहे, मगर एलिजाबेथ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका बॉयफ्रेंड एक सीरियल किलर। वो तो टेड से शादी करना चाहती थी। आगे चलकर टेड बंडी को पकड़वाने में एलिजाबेथ ने काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। 1974 से लेकर 1978 तक बंडी ने कई लड़कियों को मौत की घाट उतारा था, मगर अपना पहला कोशिश में वो नाकामयाब रहा था। जनवरी 1974, 18 साल की कैरन स्पार्क्स यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की स्टूडेंट थी। वो एक अच्छी डांसर भी थी। टेड बंडी एक दिन आधी रात को कैरन के अपार्टमेंट में घुसकर उस पर लोहे की रॉड से हमला कर देता है। कैरन बेहोश हो जाती है। बंडी बेहोश पड़ी कैरन के साथ दुष्कर्म करके लोहे की रॉड से उसे बुरी तरह से घायल कर देता है और वहां से फरार हो जाता है। हॉस्पिटल में 10 दिन तक कोमे में रहने के बाद कैरन की जान तो बच जाती है, मगर उसको परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाता है और वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाती है। बंडी को लगा कि कैरन जिंदा नहीं बच पाएगी, मगर ऐसा ना होने पर उसे खुद पर काफी गुस्सा आता है। उसका बेचैनी बढ़ने लगती है और बंडी अपने अगले शिकार को ढूंढने में लग जाता है। उसे ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ता। वाशिंगटन से करीब 100 किलोमीटर दूर सिएटल के रहने वाली 21 साल की लिंडा एन हीली टेड बंडी का पहली शिकार बनती है। लिंडा वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की अंडर ग्रेजुएट थी और एक पॉपुलर रेडियो स्टेशन में काम कर रही थी। अपनी काम की वजह से लिंडा को काफी लोग पहचानते थे, मगर बंडी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। 1 फरवरी को अर्ली मॉर्निंग हावर्स में टेड बंडी लिंडा के रूम में घुस जाता है, फिर लिंडा के सर पर लोहे की रॉड से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद लिंडा की नाइट ड्रेस को उतारकर जीन्स और टी शर्ट और शूज पहनाता है, फिर उसे उठाकर घर के बाहर खड़ी अपना वॉक्सवैगन कार में डालकर वहां से ले जाता है। वो लिंडा को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करके जान से मार डालता है।
इसी तरह 1974 में जनवरी से लेकर जून तक बंडी ने 6 लड़कियों की हत्या कर दी। मारे गए सभी लड़कियां कॉलेज स्टूडेंट्स थे और सिएटल, वाशिंगटन और अगल बगल के राज्यों में हॉस्टल्स में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। टेड बंडी का सबसे असाधारण बात यह था कि वो अकेले ही लड़कियों का अपहरण और हत्या कर रहा था। इसका एक मेन रीजन टेड बंडी का काफी अट्रैक्टिव होना था। वो बिल्कुल एक परफेक्ट जेंटलमैन जैसा दिखता था और इसलिए लड़कियां उसका जाल में आसानी से फंस जाती थी। टेड बंडी का जुर्म का तरीका सिंपल तो था मगर काफी कारगर था। वो लड़कियों के सामने ऐसा नाटक करता था मानो उसका हाथ या पैर में फ्रैक्चर हो और उसे मदद की जरूरत हो। जब पास से गुजर रही कोई लड़की इस ड्रामे को देखकर बंडी का मदद करने के लिए उसके पास जाती थी, तब वो लोहे की रॉड से उस पर हमला कर देता। सर पर चोट लगने की वजह से वो लड़की तुरंत बेहोश हो जाती थी। फिर बंडी उस लड़की को हथकड़ियां पहनाकर उसे किडनैप कर लेता था। बंडी का यह तरीका इतना कारगर था कि एक रात उसने सड़क पर पैदल जा रही 18 साल की गॉर्गन हॉकिंस को बस कुछ ही मिनटों में किडनैप कर लिया। हॉकिंस की अपहरण के बाद पूरे वेस्टर्न अमेरिका में हड़कंप मच गया था। टेलीविजन और न्यूज़पेपर्स में 6 किडनैपिंग्स और हत्याओं का मामला तूल पकड़ने लगा। लोग घरों से बाहर निकलने के लिए भी डरने लगे और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर मुजरिम को पकड़ने का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। समाज के लिए टेड बंडी बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। हर एक किडनैपिंग और हत्या के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा था। फिर एक दिन उसने एक ऐसा काम किया जिसने इन्वेस्टिगेशन में जुटी सभी एजेंसियों के होश उड़ा दिए। उसी साल 14 जुलाई को बंडी ने दिन दहाड़े हजारों लोगों की मौजूदगी में 2 महिलाओं का अपहरण किया और उन्हें भी मार डाला। वो 2 महिलाएं 23 साल की चेनिस एन ऑट और 19 साल की मैरी नेजलैंड थी। वे दोनों अपने परिवार और दोस्तों के साथ लेक सैममिस में एंजॉय करने आई थी। बस सही मौका देखकर टेड बंडी ने उन्हें अपना जाल में फंसाया और एक सुनसान जगह पर ले जाकर उनके साथ भी दुष्कर्म किया और जान से मार डाला। उस दिन एन और नेजलैंड के अलावा बंडी ने कई दूसरी लड़कियों को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश किया। यहाँ तक कि उसने उन लड़कियों से अपना असली नाम बताकर खुद को इंट्रोड्यूस किया था। मगर बाद में यही ओवर कॉन्फिडेंस उसका बहुत बड़ा गलती साबित हुआ। जब पुलिस एन और नेजलैंड की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करने के लिए लेक सैममिस पहुंची तो कई लोगों ने टेड बंडी पर ही शक जताया। मगर शहर में टेड नाम का करीब 3,000 लोग रह रहे थे और उनमें से सही टेड को ढूंढ निकालना काफी मुश्किल काम था, क्योंकि उन दिनों पुलिस इन्वेस्टिगेशन उतना एडवांस नहीं था। लोगों से मिली इन्फॉर्मेशन की मदद से पुलिस टेड बंडी का एक स्केच बनवाकर उसे पब्लिश करती है। स्केच को देखकर टेड बंडी को करीब से जानने वाले कुछ लोग, जिनमें उसकी गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ केंडल भी शामिल थी, पुलिस को कांटेक्ट करके बताते हैं कि वो स्केच काफी हद तक टेड बंडी से मिलता जुलता है। पुलिस एलिजाबेथ से मुलाकात करती है। एलिजाबेथ उन्हें टेड बंडी के फोटोज दिखाती है। वाकई में वो स्केच टेड बंडी से मैच कर रहा था। मगर टेड तो लॉ की पढ़ाई कर रहा था, साइकोलॉजी में ग्रेजुएट था और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहने के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट लीगल इंस्टीट्यूशंस का मेंबर भी रह चुका था। बंडी का इतना अच्छा प्रोफाइल को देखते हुए पुलिस मान लेती है कि टेड बंडी मुजरिम नहीं हो सकता। 2 महीने बाद सितंबर में नेजलैंड और ऑट के कंकाल एक सुनसान सड़क के किनारे मिलते हैं। जब एक एक करके बाकी लड़कियों के कंकाल भी मिलने लगे, तब बंडी समझ जाता है कि सिएटल में रहना अब उसके लिए सेफ नहीं है। जांच एजेंसियों के रडार पर वो कभी भी आ सकता है। इसलिए गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ केंडल और उसकी बेटी को सिएटल में ही छोड़कर बंडी यूटा की कैपिटल साल्ट लेक सिटी में शिफ्ट हो जाता है। वहां पर रहते हुए बंडी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा लॉ स्कूल में एडमिशन ले लेता है। लॉ की पढ़ाई महज एक दिखावा था। बंडी के यूटा पहुंचने के कुछ ही दिन बाद वहां के लड़कियों का भी गायब होना शुरू हो जाता है। यूटा के अलावा कोलोराडो और इडाहो में भी मिसिंग केसेस दर्ज किए जाने लगे। मगर उसी साल नवंबर महीने में टेड बंडी से एक बहुत बड़ा चूक हो जाता है। पहली बार उसके चंगुल से एक लड़की बच निकलने में कामयाब हो जाती है। वो लड़की 18 साल की कैरोल डारोंच थी। कैरोल उस दिन यूटा के एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही थी। तभी टेड बंडी कैरोल के पास जाकर उसे झूठ बोलता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। कैरोल को यकीन दिलाने के लिए वो एक नकली पुलिस बैज भी दिखाता है और कैरोल से कहता है कि उसकी कार में किसी ने तोड़फोड़ किया है, इसलिए कंप्लेंट लिखवाने के लिए कैरोल को उसके साथ नजदीकी पुलिस स्टेशन जाना होगा। कैरोल बंडी के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। कार में बैठने के बाद बंडी कैरोल से सीट बेल्ट लगाने को कहता है, मगर वो ऐसा नहीं करती क्योंकि पुलिस स्टेशन ज्यादा दूर नहीं था। कुछ ही दूर जाने के बाद बंडी कार को गलत रास्ते पर ले जाने लगता है। कैरोल उसे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। बंडी कोई जवाब नहीं देता और कैरोल के हाथों पर हथकड़ियां पहनाने लगता है और कैरोल के हाथों पर हथकड़ियां पहनाने लगता है। कैरोल बुरी तरह से डर जाती है।
मगर वो हिम्मत नहीं हारती और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करती है। ठीक उसी वक्त सामने से एक कार को आता हुआ देखकर किसी तरह कैरोल बंडी से पीछा छुड़वा कर कार से बाहर निकल जाती है और उस कार में बैठकर वहां से बच निकलती है। टेड बंडी को लड़कियों का हत्या करने का इतना लत लग चुका था कि कैरोल के बच निकलने के कुछ ही देर बाद वो एक दूसरी लड़की 17 साल की स्कूली छात्रा डेबरा जीन केंट को अगवा करके उसे मार डालता है। हत्याओं का सिलसिला बिना रुके जारी रहता है, एक के बाद एक लाशें मिलती रहती हैं। एक तरफ पुलिस वाले भी मुजरिम को पकड़ने के लिए काफी जंतोजहद कर रहे थे। इसी कड़ी में हत्यारा को पकड़ने के लिए पुलिस उस वक्त का सबसे नया और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करने का फैसला करती है, जिसके तहत एक कंप्यूटर में इन्वेस्टिगेशन की सारी जानकारी को अपलोड किया जाता है, जैसे कि अमेरिका में टेड नाम के कितने लोग हैं जिनके पास वॉक्सवैगन कार है, वो कैसा दिखता होगा, उसके रिश्तेदार या जानने वाले कौन हैं, मारे गए लड़कियों के रिश्तेदार कौन थे, उनके क्लासमेट्स कौन थे, वगैरह वगैरह। और तब जाकर हजारों नामों में से 26 नाम निकलकर सामने आते हैं जिनका अपराधी होने का पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा था, और इस लिस्ट में टेड बंडी का नाम शामिल था। 16 अगस्त 1975, एक रिहायशी इलाके में स्पीड लिमिट से ऊपर गाड़ी चला रहा टेड बंडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर बॉब हेवर्ड रोकता है। कार की तलाशी लेने पर उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो आमतौर पर डकैती करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। उन चीजों के बारे में बंडी से पूछने पर वो अपना सफाई देता है, मगर ऑफिसर को टेड के बातों पर यकीन नहीं होता। उस वक्त टेड को वहां से जाने दिया जाता है, लेकिन उस पर नजर रखी जाती है। कुछ दिन बाद बंडी अपना उस वॉक्सवैगन कार को बेच देता है। पुलिस को इसकी खबर मिलते ही तुरंत उस कार को जब्त करके काफी बारीकी से तलाशी लिया जाता है, और तब उस कार में कुछ इंसानी बाल मिलते हैं। डीएनए टेस्टिंग करने पर पता चलता है कि वो बाल 3 अलग अलग महिलाओं की हैं, जिनमें कुछ महीनों पहले बंडी का चंगुल से बच निकली कैरोल डारोंच के भी बाल मौजूद थे। बाकी 2 महिलाओं की हत्या हो चुका था। टेड बंडी को तुरंत अरेस्ट करके कैरोल को बुलाया जाता है। टेड बंडी को दूसरे कुछ संदिग्धों के साथ खड़ा करके कैरोल को बंडी का पहचान करने को बोला जाता है। कैरोल बंडी को तुरंत पहचान लेती है। उसके बाद टेड बंडी को कैरोल की अपहरण और हत्या की साजिश के मामले में अरेस्ट करके उस पर मुकदमा चलाया जाता है। कोर्ट में बंडी पर लगे आरोप सिद्ध हो जाते हैं और उसे 1 से 15 साल की सजा सुनाकर यूटा स्टेट प्रिजन में भेज दिया जाता है। कैरोल के मामले को देखने के बाद जांच एजेंसियों को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि लगातार हो रहे लड़कियों के हत्याओं के पीछे जरूर टेड बंडी का ही हाथ है। इसलिए बंडी के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए जांच को और तेज कर दिया जाता है। उसके बाद एक एक करके कई हत्याओं के मामलों में बंडी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उस पर मुकदमा चलाया जाता है। इसी कड़ी में एक दिन सुनवाई के लिए टेड बंडी को कोर्ट ले जाया जाता है। बंडी अपना केस खुद लड़ रहा था। अमरीकी कानून के मुताबिक जो व्यक्ति अपना केस खुद लड़ता है उसे हथकड़ियां या सैकल्स नहीं पहनाए जाते, उसे एक वकील की तरह ट्रीट किया जाता है, और उस व्यक्ति को कोर्ट की लाइब्रेरी में जाकर लॉ की किताबों को स्टडी करने का छूट भी मिलता है। साथिर बंडी को बस इसी चीज का इंतजार था। कोर्ट में ब्रेक के दौरान बंडी जज से विनती करता है कि उसे लाइब्रेरी जाने दिया जाए ताकि वो अपने केस के बारे में स्टडी कर सके। जज बंडी को इजाजत दे देता है। लाइब्रेरी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर था। बंडी लाइब्रेरी के अंदर जाता है। उस पर नजर रखने के लिए कुछ पुलिस कर्मी भी वहां जाते हैं, मगर सही मौका देखकर किताबों के आड़ में टेड बंडी लाइब्रेरी का एक खिड़की खोलकर वहां से नीचे छलांग लगा देता है, फिर बाहर निकलकर एक कार चोरी करके वहां से गायब हो जाता है। लेकिन सिर्फ 6 दिन बाद ही पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को टेड बंडी दिख जाता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। मगर बंडी अपने हरकतों से बाज नहीं आता। जेल में सिर्फ 6 महीने बिताने के बाद वो एक बार फिर जेल से भागने की तैयारी में जुट जाता है। इस बार बंडी ने भागने का सटीक प्लान बनाया था। उसने जेल की मैप को अच्छे से स्टडी किया और पता लगाया कि उसका सेल के ठीक ऊपर जेलर का कमरा है और वहाँ अक्सर कोई नहीं रहता, इसलिए एक बार वो वहाँ तक पहुँच जाए तो फिर बाहर निकलना काफी आसान होगा। इतना ही नहीं, उसका सेल का सीलिंग जो था वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ था, जिसको काट कर बाहर निकलना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए किसी तरह बंडी एक दूसरे कैदी से एक आरी जुगाड़ करके जेल के गार्ड से बचते हुए हर दिन थोड़ा थोड़ा करके सीलिंग को काटता रहता है। इतना ही नहीं, सीलिंग से निकलने में आसानी हो इसके लिए वो खाना भी काफी कम खाकर अपना वजन घटा लेता है। पिछले बार बंडी जब कोर्ट की लाइब्रेरी से भागा था तब उसके पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इसलिए इस बार बंडी पैसों का इंतजाम भी कर लेता है। बंडी की गर्लफ्रेंड कैरोल एम बून चोरी छुपे बंडी को पैसा मुहैया कराती है।
प्लान के मुताबिक सब कुछ सेट होने के बाद 30th दिसंबर 1977 के दिन बंडी जेल से फरार हो जाता है। वो फिर से एक कार चुरा कर 2 हफ्तों तक फ्लोरिडा में इधर उधर भटकता रहता है। पैसे खत्म होने के बाद बंडी चोरी के छुटपुट वारदातों को भी अंजाम देता है। फिर 15 जनवरी 1978 के दिन टेड बंडी हैवानियत के सारे हदों को पार करते हुए फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के कैंपस में मौजूद वुमेन्स अपार्टमेंट में घुसकर सिर्फ 15 मिनट में 2 लड़कियों की जान ले लेता है और 3 को गंभीर रूप से घायल कर देता है। उसके बाद अगले ही महीने यानी फरवरी में टेड बंडी 12 साल की स्कूली छात्रा किम्बरली डैन लीच को स्कूल से अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करता है और उसे भी मौत की घाट उतार देता है। 3 लड़कियों की हत्याएं करके टेड बंडी आजाद घूम रहा था और पुलिस 3 रात उसका तलाश कर रही थी। फिर एक दिन अचानक बंडी पुलिस की नजरों में आ जाता है और इस बार भी बंडी का खराब ड्राइविंग ही उसका अरेस्ट होने की वजह बनती है। कार के नंबर प्लेट से कंफर्म हो जाता है कि वो कार चोरी की गई थी और तलाशी लेने पर कार के अंदर लेवी बोमैन और 12 साल की किम्बरली के आई कार्ड्स मिलते हैं। बंडी को तुरंत अरेस्ट करके वापस जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद करीब 4 साल तक टेड बंडी के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चलता रहा। ट्रायल के दौरान बंडी अपने लॉयर्स की सलाह को इग्नोर करते हुए अपना केस खुद लड़ता है और हार जाता है। आखिरकार 1979 के जुलाई महीने में कोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी कैंपस में मारे गए दोनों महिलाएं लिसा लेवी और मार्गरेट बोमैन की हत्या में टेड बंडी को दोषी करार देते हुए उसे इलेक्ट्रिक चेयर के माध्यम से मौत की सजा अमल किए जाने की ऑर्डर जारी करती है। 24 जनवरी 1989 टेड बंडी को पीड़ित परिवार वालों के सामने एक इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर मौत की सजा को अमल कर दिया जाता है। उस दिन उस बिल्डिंग के बाहर काफी भीड़ इकट्ठा होती है और बंडी का मौत की खबर सुनते ही वे सभी जश्न मनाने लगते हैं। आखिरी वक्त तक बंडी मौत को टालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहा। प्रोसिक्यूशन को लंबा खींचने के लिए वो एक एक करके अपने गुनाहों को पुलिस के सामने रखता था ताकि उनका जांच होता रहे और उसको मौत की घाट उतारने का दिन पोस्टपोन होता रहे। इस कड़ी में वो पुलिस ऑफिसर्स के सामने ऐसा भयानक राज उगलता है जिसे सुनकर किसी का भी रूह कांप जाए। बंडी ने खुद ये बात बताया कि लड़कियों के साथ दुष्कर्म करके उनकी हत्या करने के बाद वो वापस उस जगह पर जाकर लाशों के साथ भी दुष्कर्म करता था और ये सिलसिला तब तक चलता था जब तक वो लाश बुरी तरह से सड़ नहीं जाती। सिर्फ इतना ही नहीं, बंडी के हाथों मारे गए लड़कियों में से करीब 12 लड़कियों के सर काट के उन्हें अपना अपार्टमेंट में लेकर आया और उनका मेकअप करके ट्रॉफीज के तौर पर कई दिनों तक उन्हें अपना पास रखा। टेड बंडी का इस बर्बरता को समझने के लिए मौत के बाद डॉक्टरों ने उसका दिमाग को निकाल कर उसका स्टडी भी किया जिससे पता चला कि टेड बंडी का दिमाग बिल्कुल नॉर्मल है। बाद में उसके बॉडी को जलाकर उन एशेस को उसी पहाड़ पर बिखेर दिया गया जहां उसने कई लड़कियों की जानें लेकर उनके लाशों को सड़ने के लिए छोड़ दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही क्राइम और हॉरर से जुड़ी कहानियों को देखने के लिए खड्गेश्वर स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।